अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर नगर निगम करेगा सख्त कार्रवाई, जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जी हां, नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार अवैध विज्ञापन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, अवैध विज्ञापन रोकने के लिए बकायदा नगर निगम ने एक सर्वे कंपनी भी हायर की है, जो केवल अवैध विज्ञापन रोकने के लिए नगर निगम की मदद करेगी। बता दें कि हरियाणा नगर निगम 2022 कानून के तहत नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्रों में अगर किसी को विज्ञापन लगाना है तो पहले नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। ऐसे में नगर निगम ने इसके लिए वेब पोर्टल की भी शुरुआत की है, ताकि लोग विज्ञापन के लिए घर बैठे अप्लाई कर सके और समय पर उन्हें सुविधा मिल सके। जरा सुनिए इस पर नगर निगम के अधिकारी का क्या कहना है। देखिए, अगर हम एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के पास ये अधिकार है कि इसके अधीन जो क्षेत्र आता है उसमें कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट या रिलेटेड एक्टिविटी किसी को करनी है तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बायलॉज 2022 के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत हम परमिशन दे भी रहे हैं। हमने अभी जो है हमारा पिछले साल से ऑनलाइन वेब पोर्टल हमने शुरू किया है, तो उसकी इंटेंट यही है कि लोगों को जो घर बैठे वो चाहे तो अपना अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और विद इन जो है आरटीएस टाइम उनको सुविधा मिल सके। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन करने वालों पर गुरुग्राम नगर निगम की पैनी नजर है। इसके लिए एक टीम भी गुरुग्राम नगर निगम ने हायर की है, जो केवल अवैध विज्ञापन रोकने के लिए गुरुग्राम नगर निगम की मदद करेगी। अधिकारी की माने तो नगर निगम की तरफ से शहर को साफ करने की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में अगर किसी को भी विज्ञापन लगाना है तो नगर निगम से परमिशन ले, ताकि शहर भी साफ रहे और हरियाणा सरकार के पास रेवेन्यू का भी इजाफा हो। ऐसे में नगर निगम की लगातार कार्रवाई से पिछले साल के मुताबिक इस साल नगर निगम के रेवेन्यू में काफी इजाफा देखने को मिला है। वहीं नगर निगम ने लोगों से अपील भी की है कि वे तरीके से नगर निगम से परमिशन लेकर ही विज्ञापन लगाए, वरना नगर निगम की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।